हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वर्कशीट 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ऑड नंबर और इवन नंबर। तो इवन नंबर किसको बोलते हैं? नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ टू आर इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो अगर हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर है जैसे 2, 4, 6, 8, तो हम आराम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इवन नंबर है। अगर 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट, 4 डिजिट, यानी कि एनी हायर डिजिट नंबर हो, तो हम उसके लास्ट डिजिट को देखेंगे, यानी कि वंस प्लेस को देखेंगे। अगर वहाँ पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 हो तो वो पक्का इवन नंबर होगा। जैसे यहाँ पे एक 2 डिजिट नंबर है 20, तो वंस प्लेस में 0 है तो ये इवन नंबर है। ये 356 है तो यहाँ लास्ट डिजिट या वंस प्लेस में 6 है, इसलिए इवन नंबर है। 284, यहाँ लास्ट डिजिट या वंस प्लेस में 4 है, इसलिए ये इवन नंबर है। ये 3888 नंबर है तो लास्ट डिजिट या वंस प्लेस में 8 है तो ये इवन नंबर है। सिमिलरली 122 अगर है तो वंस प्लेस या लास्ट डिजिट में 2 है तो ये इवन नंबर है। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो हम लोग लास्ट डिजिट को स्टडी करेंगे। अगर 0, 2, 4, 6 और 8 लास्ट डिजिट में रहेगा तो वो इवन नंबर होगा। ये कंडीशन 2 डिजिट या एनी हायर डिजिट नंबर, जैसे 3 डिजिट, 4 डिजिट, इस टाइप ऑफ नंबर में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली ऑड नंबर कौन सा होता है? नंबर विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ टू, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आर ऑड नंबर्स। अगर सिंगल डिजिट नंबर हो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो हम लोग देख के पहचान जाएंगे कि ऑड नंबर हो, ऑड नंबर है। लेकिन अगर 2 डिजिट और एनी हायर डिजिट नंबर, जैसे 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 10 डिजिट, 20 डिजिट, आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर भी हम लोग लास्ट डिजिट या वंस प्लेस को स्टडी करेंगे। तो लास्ट डिजिट में अगर 1, 3, 5, 7 और 9 होगा तो हम लोग आँख बंद के लिख सकते हैं कि ये ऑड नंबर है। जैसे एग्जांपल अभी देखते हैं 25, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट या वंस प्लेस में 5 है तो ये ऑड नंबर है। 387, तो लास्ट डिजिट वंस प्लेस में 7 है इसलिए ये ऑड नंबर है। यहाँ पे 4, 5, 6, 9, ये 4 डिजिट नंबर है। तो एनी डिजिट होने से भी हम ओनली लास्ट डिजिट को स्टडी करेंगे। तो लास्ट डिजिट में 9 है इसलिए ये ऑड नंबर है। तो इस एक्सप्लेनेशन से मैं उम्मीद करती हूँ आप इवन नंबर और ऑड नंबर की पहचान बहुत ईजीली कर सकते हैं। अभी वर्कशीट 3 करेंगे, एनसर्कल द इवन नंबर्स। तो 4, 8, 12, या लास्ट डिजिट में या वंस प्लेस में 2 है। 28, यहाँ वंस प्लेस या लास्ट डिजिट में 8 है। 56, एंड ये सारे नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 2 है तो ये सारे इवन नंबर्स है। एनसर्कल द ऑड नंबर्स, तो 49, 3, 19, 57, 69। यहाँ पे देखिए 49 वंस प्लेस या लास्ट डिजिट में 9 है। यहाँ पे सिमिलरली 9 है वंस प्लेस में, यहाँ पर भी 7 है वंस प्लेस में और यहाँ पर भी 9 है। तो जैसे मैं प्रीवियसली समझाई थी, 1, 3, 5, 7, 9 होने से वो नंबर ऑड होता है, तो ये सारे नंबर ऑड है। और ये कंडीशन 2 डिजिट या मोर डिजिट नंबर के लिए अप्लाई होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे। 75 इज एन ऑड नंबर, लास्ट डिजिट 5 है इसलिए ऑड नंबर है। 178 इज एन इवन नंबर, लास्ट डिजिट 8 है। 1082 इज एन इवन नंबर, लास्ट डिजिट 2 है। 1493 इज एन ऑड नंबर बिकॉज लास्ट डिजिट या वंस प्लेस में 3 है।
ए नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ टू इज कॉल्ड एन इवन नंबर. स्मॉलेस्ट इवन नंबर हम लोगों का टू होता है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर वन होता है. ये हमारा वर्कशीट थ्री ख़त्म होता है. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट फोर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी. थैंक यू.